भारतीय जनता पार्टी को बुलडोजर की नुमाइश नहीं करनी थी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करना चाहिए था। मैं अपने तमाम नौजवानों को बधाई देता हूं कि बुलडोजर के खिलाफ बेरोजगार बारात यात्रा निकाल रहे हैं, उस बेरोजगार लोगों की बारात यात्रा में हम शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी कम होती होंगी बारातें, वो बारातें दूसरे तरह की होती हैं, ये बेरोजगारों की बारात यात्रा है जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूँ। कल राहुल जी ने हमें रायबरेली से नामांकन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अमेठी हारने के बाद रायबरेली देखा। बहुत से उदाहरण हैं, नेता दो दो लोकसभाओं से लड़ते हैं, हम भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं, नेताजी भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी दो लोकसभा से लड़ चुके हैं, तो ये ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड मतों से इस बार राहुल गांधी जी और रायबरेली दोनों जीतने जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे की बात, अगर विपक्ष जब जीत जाता है तो नए कपड़े पहन के शपथ लेने चले जाते हैं और हार जाते हैं तो ईवीएम पे जाते हैं। देखिए, इस बहस के में हमें उलझना नहीं है, ये लड़ाई लंबी है और इतनी लंबी है कि इसके लिए संघर्ष लगातार चलता रहेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं वो बातें, जर्मनी ऐसा देश है जो हमसे बहुत संपन्न है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पर कैपिटा इनकम से, और दुनिया का बहुत ताकतवर देश है। वहां पर ईवीएम इस्तेमाल करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो जर्मनी जैसा देश, अमेरिका, जापान, यूरोप में बहुत से देश, दुनिया के बहुत संपन्न देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो वही पुराने तरीके से बैलेट से वोट डालते हैं। तो ये लड़ाई लंबी है, लगातार चलती रहेगी, और हम लोगों ने तय किया है ईवीएम से हरा करके ईवीएम हटा देंगे।